छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए दोनों ही पार्टियों के स्टार प्रचारक लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने सूरजपुर के भटगांव, प्रेमनगर और प्रतापपुर विधानसभा में आम सभा को संबोधित किया है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम जनता ने उनका भव्य स्वागत किया है। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा द्वारा जारी घोषणा पत्र को कांग्रेस की घोषणा पत्र का फोटोकॉपी बताया है। वहीं उन्होंने छत्तीसगढ़ में 65 से 70 सीटें जीतकर मजबूती से कांग्रेस सरकार बनाने की बात कही है। में चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे और निश्चित रूप से यहाँ के कार्यकर्ताओं में, यहाँ के नेताओं में, यहाँ के मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह है और यहाँ से भी कांग्रेस का विधायक जिता कर देंगे और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। पहले चरण का चुनाव हुआ है बस्तर से लेकर कवर्धा तक 20 सीटों पर और 20 का 20 सीट जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जबरदस्त पहला चरण में बढ़त बनाई है और आने वाला जो चुनाव है 70 विधानसभाओं का, 70 में भी हम लोग 55 से 60 सीट जीत कर जाएंगे और छत्तीसगढ़ में फिर से सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र कांग्रेस के घोषणा पत्र का पूरी तरह से फोटोकॉपी है, नकल की है और उनकी घोषणा पत्र पे छत्तीसगढ़ की जनता यकीन नहीं की है। 15 सालों ने, उन 15 साल की सरकार में उन्होंने ठगने और छलने का काम किया है, वादा खिलाफी करने का काम किया है, इसलिए उनके घोषणा पत्र और वादों पे जनता यकीन नहीं कर रही है और जस्ट कांग्रेस सरकार के वादा और घोषणा जनता के दिलों को टच कर रही है, जनता के दिलों को छू रही है। किसान के लिए, युवाओं के लिए, माता बहनों के लिए, आने वाले हमारे नई पीढ़ी के लिए, हम लोग सभी सेक्टरों को हमारी घोषणा पत्र के माध्यम से हम टच कर रहे हैं और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी।